किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न चाट। और स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप स्वीट कॉर्न के दाने लिए हैं, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच सादा नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 नींबू, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 कप खीरा बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और इसके बीज हमने निकाल दिए हैं, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और इसके भी बीज हमने निकाल दिए हैं, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम स्वीट कॉर्न को बॉयल करेंगे। हमने इस बर्तन में 4 कप पानी लिया है। पानी में जब उबाल आ जाएगा तो हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे। पानी में उबाल आ गया है और अब हम इसके अंदर कॉर्न ऐड कर देंगे। कॉर्न में बॉयल आ गया है और अब हम इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए और अब हम गैस को बंद कर देंगे और छान के इसका पानी निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसकी चाट बनाएंगे। कॉर्न को हमने बॉल में निकाल लिया है और अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है तो हम चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया और अब मसालों में हम जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक और अब हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे। और एक बात का आप ध्यान रखें, इसमें नमक, हरी मिर्च और नींबू अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करें। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाले में भी पहले से ही नमक होता है तो नमक डालते समय आप ये ध्यान रखें। बहुत ही टेस्टी चाट बनती है ये और आप भी ज़रूर बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। लीजिए, हमारी स्वीट कॉर्न चाट तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।